सो हेलो गाइस, ऑल आर वेलकम टू टीवीसी। जो टीवी का फर्स्ट शो है तो हमारा भी फर्स्ट शो ही है टीवीसी के साथ। सो सभी का स्वागत करता हूँ और शुरुआत करते हैं, परसों जन्माष्टमी थी तो उसी के उपलक्ष्य में शुरुआत करते हैं। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। कानों कहे राधो राधो मोरे गुण गाए, राधो सा रूप मोरो हो जाए। बंसी बाजू तो राधो नाचे, मुझे भी सदा राधो ही भाए। राधो कहे मुरली मनोहर मोरो कृष्ण सा नटखट कोई ना, राधो कहे मुरली मनोहर कृष्ण सा नटखट कोई ना, प्रेम प्रसंगी कन्हैया सा कोई ना, देखे जब यूं हर हर गोपाला, मुझे भी खिलाए माखन और उनसा खावे कोई ना। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपनी एक ऑब्जर्वेशन का, जो मैंने भी हाल ही में पहचानी कि लोग सोशल मीडिया में आजकल सभी लोग हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे सब हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब ये टाइप की बात करूँ तो हम लोग वो हैं जहाँ पे हमें सिर्फ ना व्यू देखने मिलते हैं, हमारे 35 व्यू आते हैं, 8 लाइक और 1 कमेंट के साथ, ठीक है ना। तो उसको ऑब्जर्व करते हुए मैंने कुछ इक्वेशन बनाई है, फिर उसके बाद दोस्ती भी एंड करा उसको। तो कुछ ऐसा होता है ना, जब कुछ दोस्त होते हैं जो मन मुटाव हो जाता है, फिर उनसे बातचीत नहीं होती, कुछ ईगो का एटीट्यूड फैक्टर रहता है, लेकिन वो आपका पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं, फिर वो एक थर्ड कॉमन फ्रेंड से बात करते हैं उसके के रिगार्डिंग। तो वो विषय है, आप समझने की कोशिश करना, अच्छा लगेगा उसको और अच्छा लगे तो ताकि मिलेगा। चलिए, मैं लाइक और कमेंट पर नहीं खेलता क्योंकि मैं तो हाजिर जवाबी का भी दुश्मन हूँ। मैं तो बस छुपके से देख लेता हूँ कितने पोस्ट आए हैं, मैं तो बस झुमके से देख लेता हूँ कितने पोस्ट आए हैं, और खुश हो जाता हूँ उन शख्सियतों को भी देखकर जो मुझसे आज मुंह मोड़े बैठे हैं। वो मेरी दास्तां लोगों से एक वक्त पे कुछ इस तरह पूछने लगते हैं कि जब तक कोई तीसरा दोनों की जान पहचान का ना मिल जाए तो वो पूछते हैं, अरे उसका पोस्ट देखा क्या, और उसका पॉजिटिव हाँ रिप्लाई सुनकर उन्हें गुस्सा तो आता है मेरी तरक्की से, और वो अपनी जलन इस तरह बयां करते हैं जब उनसे वो थर्ड पर्सन पूछता है कि तुमने देखा क्या, तो वो कहता है हाँ देखा था, सही है, अच्छा अच्छा कुछ तो कर ही रहा था लाइफ में, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं साला ये टैलेंट कब था बेटा, तो बढ़िया गया आगे दूसरा है मेरा। वो कहते हैं ना, अगर मगर के चक्कर में क्यों पड़े हो, जब तक साथ तुम किसी के खड़े हो, वक्त ही तो बुरा हो चला, फिर क्यों अपनों से डरे हो। लगता ऐसा कि तुम किसी चिंता में डूबे हो, अरे ये वही है जो कभी तुम्हारे काम के लिए खड़ा रहता था, मतलब शायद हो सकता है दोनों गलत हो, शायद हो सकता है दोनों गलत हो, पर कश्मकश ऐसी है इस दुनिया की कि दिल से पूरा मानते हो लेकिन पहल कौन करेगा इस बात का एटीट्यूड लेकर खड़े हो। छोड़ो ये दरमियान ये फासले, एक बार हिम्मत करके कह दो एक दूसरे के वास्ते, दौर बहुत लंबी है कहां कहां तक संभालोगे खुद को, दौर बहुत लंबी है कहां कहां तक संभालोगे खुद को, अक्स एक ही है कहां कहां तक पालोगे अकेले खुद को। मंजर अनेक हैं, राहें छोटी हैं, किनारे कुछ हैं, समंदर की लहरें बड़ी हैं। जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल के मिटा दो ये दूरियां, जाने से नहीं पास आने से बढ़ती हैं ये नजदीकियां। बेशक तुम एक हो लेकिन जीत हो एक दूसरे की, एहसास से जो पाला है रिश्ता उसको खत्म ना होने दो, उम्मीद है अभी भी उस रिश्ते की, उसको यूं ही बिखरने ना। वक्त सब ठीक कर देगा, थोड़ा भरोसा तो रखो, सब्र का फल मीठा मिलेगा। दोस्ती क्या है ये क्या कहने की थी, दोस्ती क्या ये कहने की थी, ईगो जिसका बड़ा होगा वही जीतेगा। छाया की तलाश में जो रोशनी तुमने
खो दी है, छाया की तलाश में जो रोशनी तुमने खो दी है वो चमक अभी बाकी है, वो चमक अभी बाकी है, क्योंकि अंधेरों को भी सुगंध की पहचान है, क्योंकि अंधेरों को भी सुगंध की पहचान है। आप काली रात से मत घबराइए, आप काली रात से मत घबराइए, ये दोस्ती में अभी एक नौ की किरण बाकी है। लिखाई था और एक आखिरी थोड़ी चार लाइन गजल मैंने लिखी अभी कुछ दिन पहले, वो थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं, लास्ट है बस। तौहीन थी ना गवारी ना गवार थी आजमे की, तौहीन थी ना गवार थी ए आजमे की, खुद का थोड़ा सा रक्त ही छोड़ जाते। दोबारा रिपीट करता हूँ, तौहीन थी ना गवार थी ना गवार थी आजमे की, खुद का थोड़ा सा रक्त ही छोड़ जाते, इज्जत का इम्तहान रह जाता, इज्जत का इम्तहान रह जाता, और हम उस वक्त से भी बेपरवाह तो ना होते, हम उस वक्त से भी बेपरवाह।